प्रदेश सरकार के खिलाफ कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर मुखर होते जा रहे हैं। शुक्रवार को अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा शासन के नाम एक ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने केंद्र के समान भत्ते, पदोन्नति, पुरानी पेंशन जैसी 23 सूत्री मांग प्रदेश सरकार के सामने रखी है। उसका कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा लगातार कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। आज मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर 36 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश स्तर पर ज्ञापन सौंपा गया है। मैं मध्य प्रदेश तृतीय सहायक कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूँ, और भी बहुत से संगठन हैं, लेकिन हमारे संगठन का जबलपुर का एक नियम रहा है कि आंदोलन कोई भी संगठन करेगा हम उसके साथ सदैव खड़े रहेंगे, अगर वो आंदोलन कर्मचारी हित में है तो। प्रदेश स्तर पे क्या है उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन जबलपुर में संस्कारधानी में अगर कोई भी कर्मचारी संघ आंदोलन करेगा उसमें मध्य प्रदेश तृतीय शासी कर्मचारी संघ उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर सरकार के खिलाफ कर्मचारी हित में लड़ाई में हमेशा आगे रहेगा। चूँकि इनके इस संगठन की मुख्य मांग जो है ओल्ड पेंशन, पुरानी पेंशन बहाली की जाए, ये मांग पूरे इससे पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारी पीड़ित हैं जो 2005 के बाद के नियुक्त हैं, और ये ऐसी स्थिति है इससे कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को जिनको 60,000 वेतन मिला तो उनको 1200-1300 रुपये पेंशन मिलेगी, इनसे कैसे इनका जीवन निर्वाह होगा। ऐसी बहुत सी मांगें हैं, उन्हीं को लेकर आज प्रदेश स्तर पर ज्ञापन सौंपा गया है। ये प्रथम चरण है, और भी चरण जो भी प्रदेश से वहाँ से 9 तारीख को दूसरे चरण में धरना है, और जो भी ऊपर से आदेश होगा प्रांतीय पदाधिकारी का उस हिसाब से आंदोलन किया जाएगा। अरविंद राजपूत, जिलाध्यक्ष, MP क्लास 3 गवर्नमेंट एम्प्लॉय एसोसिएशन जबलपुर। मध्य प्रदेश शासन द्वारा कर्मचारियों का भारी शोषण किया जा रहा है। प्रदेश शासन के कर्मचारियों को 20 वर्षों से महंगाई भत्ता केंद्र के समान नहीं दिया गया है, आवास भत्ता केंद्र के समान नहीं दिया जा रहा। आज प्रदेश के कर्मचारियों को मात्र 1,000 या 1,200 रुपये किराया दिया जा रहा है, जबकि केंद्रीय कर्मचारी को 10,000 से 12,000 रुपये दिया जा रहा है। ऐसी कर्मचारियों की मांगें जिनमें पुरानी पेंशन कर्मचारियों को दी जाए, ऐसी 36 सूत्री मांगों को लेकर के आज प्रदेश स्तर पर एक अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। ये पहला चरण है आंदोलन का। ये जबलपुर में ज्ञापन हम अपने संरक्षक भाई योगेंद्र जी के नेतृत्व दे रहे हैं। अगर हमारी कर्मचारियों की मांगें पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में कर्मचारी मार्ग में आकर के अपनी मांगों के लिए उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाएगा। अटल उपाध्याय, जिला अध्यक्ष, मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा जबलपुर।